अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सलीम यूसुफ एंड इट इज़ माई लेक्चर नंबर 10 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएस इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर। टुडे वी शैल फिनिश वॉन्डरिंग हाइट्स। इट इज़ अ नॉवल रिटन बाय इमिली ब्रोंटे। वी स्टडीड इट इन लेक्चर नंबर 7 एंड 8। टुडे वी शैल फिनिश इट इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आज ही मेरा लेक्चर नंबर 10 है आप लोगों के लिए, विक्टोरियन नॉवेल का ये मेरा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नॉवेल वॉडरिंग हाइट्स को फिनिश करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने इस नॉवेल की राइटर इमिली ब्रोंटे की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, इस नॉवेल की समरी और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। आज अपने इस लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपके लिए इस नॉवेल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनके आंसर्स तलाश किए हैं। तो आज मैं आपके साथ इस नॉवेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हमारा पहला क्वेश्चन इज एनालाइज द स्टोरीज सेटिंग, व्हाट रोल डज इट प्ले इन विदरिंग हाइट्स। तो पहले हम ये पढ़ने लगे हैं कि विदरिंग हाइट्स की जो सेटिंग्स है, जिस इलाके में, यॉर्कशायर, इंग्लैंड का इलाका यॉर्कशायर, जहां पर इस नॉवेल की सेटिंग बनाई गई है, उसकी क्या अहमियत है। नेचर प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन वुदरिंग हाइट्स जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ऑथर इमिली ब्रोंटे ग्रू अप इन द रोलिंग हिल्स और मूर्स ऑफ यॉर्कशायर। तो कहा गया कि नेचर इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है और इस नॉवेल के कैरेक्टर्स की तरह से ही इस नॉवेल के लिखने वाले भी यॉर्कशायर के इन्हीं मूर्स में, पहाड़ी इलाकों में पली बड़ी, वहाँ पर घूमती फिरती रही। The moors are famous for their mystery, melancholy atmosphere and like Heathcliff and Catherine, Emily Bronte was known to wander about in the relatively uninhabited and land around her family home. तो यहाँ दो बातें हमें बताई गई हैं। एक ये है कि उन moors का atmosphere अफसुरदा है। अफसरदा होने का मतलब ये है कि यॉर्कशायर के मूरलैंड्स में मौसम बड़ा शदीद है, ज़्यादातर साल का बड़ा हिस्सा आसमान पर बादल छाए रहते हैं, तूफान चलते हैं, सर्दी इंतहा की है, बर्फबारी होती है, तूफानी हवाएं चलती हैं और ये मौसम, उसके बाद वहाँ पर आबादी थोड़ी है, मौसम की शिद्दत, तारीकी, खामोशी, तन्हाई, ये सब कुछ फिजा में एक अजब सी अफसुर्दगी की कैफियत पैदा करती हैं और यही अफसुर्दगी, यही तारीकी हमें इस नॉवेल के कैरेक्टर्स में भी दिखाई देती है। फिर दूसरी बात हमें ये बताई गई कि कैथरीन और हीथक्लिफ की तरह से इमिली ब्रोंटे भी इन मूर्स में, इन वादियों में घूमती फिरती थी, एक्सप्लोर करती थी, उसे भी अपने इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द की खाली ज़मीन पर घूमना फिरना पसंद था। द स्टॉर्मी मूरलैंड्स प्रोवाइड्स अ स्पेक्ट्रल ऑलमोस्ट वायलेंट बैकड्रॉप। और ये जो स्टॉर्मी मूरलैंड है, ये मूरलैंड जहाँ पर तूफान चलते हैं, ये एक बैक स्टेज फ्राहम करता है फॉर द नॉवेल मिररिंग द कैरेक्टर्स इनर टर्मोइल। और इस सेटिंग में हम इस नॉवेल के किरदारों के अंदरूनी टर्मोइल को, कश्मकश को देखते हैं। और वो कश्मकश क्या है कि उन मूरलैंड्स के रहने वाले लोग फितरत की शिद्दत के साथ लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, शदीद माहौल का सामना करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस नॉवेल के कैरेक्टर्स अपने किरदार के अंदर की शिद्दत का मुकाबला करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसका, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द मूर्स इज नॉट मेयरली अ सेटिंग, इट आल्सो सेट्स द मोड ऑफ द नॉवेल एंड
exerts a नोटिसबल इन्फ्लुएंस ऑन द कैरेक्टर्स चॉइस एंड पर्सनैलिटी। तो कहा गया कि ये जो मूरलैंड्स है ये सिर्फ नॉवल की सेटिंग नहीं है बल्कि वो इस नॉवल के किरदारों को मुतासर करते हैं, उनकी चॉइस, उनकी पसंद व नापसंद और उनकी पर्सनैलिटी को मुतासर करते हैं। द फ्रीक्वेंटली इनहॉस्पिटेबल वेदर इस्टेब्लिशेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और वहाँ का इनहॉस्पिटेबल वेदर यानी शदीद किस्म का मौसम एक ताल्लुक पैदा करता है फितरत और इंसान के दरमियान। दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थीम और यही इस नॉवल का एक अहम थीम भी बन जाता है। द फ्रीक्वेंट ब्लिजर्ड्स एंड थंडरस्टॉर्म्स एंश्योर दैट कैरेक्टर्स इनकाउंटर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द एलिमेंट्स। तो उस इलाके के ब्लिजर्ड्स थंडरस्टॉर्म्स ये बताते हैं कि जिस तरह से उस इलाके के रहने वाले लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से लड़ते हैं, उसी तरह से वो अपने अंदर के माहौल से, अपने अंदर की कश्मकश से भी लड़ते हैं। मोर ओवर द कैरेक्टर्स एट वुदरिंग हाइट्स आर फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज्ड एज वाइल्ड। और मजीद ये कि इस नॉवल के कैरेक्टर्स को वाइल्ड कहा गया है, विच सजेस्ट दैट देयर ड्रामेटिक नेचुरल सराउंडिंग्स हैव समहाउ सीव्ड इनटू द पर्सनैलिटी। उसकी वजह क्या है कि उनके इर्द गिर्द के हालात किसी ना किसी सूरत में उनके पर्सनैलिटी पर असर कर चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर तक सिरायत कर चुके हैं, उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके हैं। इसका दूसरा अहम क्वेश्चन नंबर इज द हीथक्लिफ्स रोल इन द स्टोरी, इज ही अ प्रोटैगनिस्ट और एन एंटागोनिस्ट। ओके, इस सवाल के जवाब को डिस्कस करने से पहले मैं पिछले वाले जवाब पर थोड़ा तबसरा करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर वन हमने पढ़ा कि एनालाइज द स्टोरी सेटिंग, हीथक्लिफ को इस नॉवेल की सेटिंग बनाया गया है। मैंने इस जवाब में दो पैराग्राफ शामिल किए हैं। इस ड्रामा वुदरिंग हाइट्स की सेटिंग यानी वो जो वुदरिंग हाइट्स का कस्बा है, यॉर्कशायर का एटमॉस्फेयर, वो इस पूरे ड्रामा का बैकग्राउंड है, वो इसकी स्टेज है जहां पर ये सारा ड्रामा रूनमा होता है। ये सेटिंग बहुत अहम है क्योंकि ये किरदारों को मुतासिर करती है। मैंने इस जवाब में सिर्फ दो पैराग्राफ शामिल किए हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसकी बुक खरीदते हैं, उसमें ये जवाब आपको मिलेगा, वहाँ से पढ़ें, इंटरनेट से थोड़ा सर्च करें, खुद अपने जहन से कुछ पॉइंट्स निकालें और इस जवाब में आप कुछ इजाफा कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको मवाद दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया, आपने सिर्फ उस पर इक्तफा नहीं करना, उससे आगे बढ़ें, मज़ीद इसमें कुछ इजाफा करने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब दूसरा सवाल इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो कि हीथक्लिफ की जिंदगी से मुतल्लिक, उसके किरदार से मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर टू है जी, व्हाट इज हीथक्लिफ्स रोल इन द स्टोरी, इज ही प्रोटागोनिस्ट और एन एंटागोनिस्ट। तो ये दूसरा सवाल हीथक्लिफ के किरदार से मुतल्लिक है। पूछा गया है कि ड्रामा में उसका किरदार, उसका रोल क्या है, क्या वो प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर, या फिर वो एंटागोनिस्ट है यानी वो विलन है, क्या है। ये जवाब सारा का सारा हीथक्लिफ का कैरेक्टर है जो कि हम परसों भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए मैं इसको एक बार फिर से पढ़ूँ। इसमें थोड़ी तब्दीली भी है, 100% वही कैरेक्टर नहीं जो हमने पढ़ा था, इसमें थोड़ी तब्दीली भी है, तो आइए इसको पढ़ते हैं आपकी आसानी के लिए। Heathcliff can be considered both a protagonist and an antagonist. He is a protagonist in the sense that पहले ही फिक्र में कहा गया कि इसकी दोहरी शख्सियत है, ये ड्रामा का मरकजी किरदार यानी प्रोटागोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट भी है, ड्रामा का विलन भी है। अब वो किस तरह से है, इसको स्टेप बाय स्टेप साबित किया है इस जवाब के लिखने वाले ने। पहले हम इसको एज अ प्रोटागोनिस्ट स्टडी करते हैं। तो राइटर लिखता है कि ही इज अ प्रोटागोनिस्ट इन द सेंस दैट द नॉवेल इज स्ट्रक्चर अराउंड हिज लाइफ, ये सारा नॉवल इसकी जिंदगी के गिर्द घूमता है। एलिन्स नैरेटिव बिगिंस व्हेन अर्नशॉ ब्रिंग्स हीथक्लिफ होम फ्रॉम लिवरपूल एंड इट एंड्स एट हीथक्लिफ्स डेथ। जब नॉवल शुरू होता है, जब एलिन नॉवल की नरेशन शुरू करती है, कहानी को बयान करना शुरू करती है, तो हमें पता चलता है कि मिस्टर अर्नशॉ
हीथक्लिफ को लिवरपूल से लेकर आए थे। ये लड़का हीथक्लिफ उस वक्त 7 साल का एक बेसहारा यतीम बच्चा था जिसे वो अपने घर ले आए। वहाँ से नॉवल की कहानी, नॉवल की नरेशन शुरू होती है और हीथक्लिफ की वफात पर यह किताब ख़त्म होती है। Suggesting that he was the main character all along, और इससे हमें पता चलता है कि ये इस कहानी का मरकजी किरदार है। Likewise, Heathcliff is the main person to pick Lockwood's curiosity when he first visits Wuthering Heights. इसी तरह से ये शख्स यानी Heathcliff Lockwood की curiosity को, तशवीश को बढ़ाता है जब Lockwood ने पहली मरतबा इसको देखा। However, Heathcliff can also be considered an antagonist because he actually works to undermine many of the novel's more likable characters. It's aur iske sath hi sath yahi shakhs Heathcliff is novel ka negative character hai, villain bhi hai, kyunki iski wajah se novel ke kuch bade ahem kirdar disturb hote hain, including Edgar Harrison and Cathy Linton. Moreover, the novel is never related from his perspective. ऊपर 4 characters के नाम लिए गए जो कि इसकी बिना पर disturb होते हैं, और मजीद ये कहा गया कि novel इसके perspective से, इसके नुक्ता नज़र से नहीं लिखा गया। For the most part, the narrator Ellen can only speculate on his thoughts and feelings. बल्कि इस novel की narrate करने वाली यानी Ellen इसके थॉट्स को, इसकी फीलिंग्स को हमारे सामने पेश करती है। हीथक्लिफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन इमिली ब्रोंटेस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स। अब ऊपर वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें इसको एज अ प्रोटागोनिस्ट और एज एन एंटागोनिस्ट पेश किया गया है, सिर्फ एक तारुफ, एक ओवरव्यू दिया गया। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इसकी डिटेल है, ऊपर वाले पैराग्राफ की डिटेल है कि इसको अगर प्रोटागोनिस्ट कहा गया है तो क्यों, और अगर एंटागोनिस्ट कहा गया है तो वो क्यों कहा गया है। आगे हम इसकी डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं। इस डिटेल में से कुछ चीज़ें वो हैं जो हम परसों कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें नई भी हैं, न्यू हैं, तो इसका तवज्जो से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है। ये मैं आपको तफसील से इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप इस आंसर को पढ़ लेते हैं तो इससे मतलब बहुत से ऑब्जेक्टिव आंसर्स आपके अज खुद तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, ओइंग टू द हीथक्लिफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन इमिली ब्रोंटेस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, एक फिक्शनल अफसानवी नॉवेल, सॉरी अफसानवी कैरेक्टर है। ओइंग टू द नॉवेल्स एंड्यूरिंग फेम एंड पॉपुलैरिटी ही इज ऑफन रिगार्डेड एज एन आर्च टाइप ऑफ द टॉर्चर्ड एंटी हीरो। और इससे इस नॉवेल में टॉर्चर्ड एंटी हीरो का खिताब भी दिया गया, यानी एक ऐसा हीरो जिसको इतना टॉर्चर किया गया, इतनी अजियत दी गई कि वो विलन बन गया, हूज ऑल कंज्यूमिंग रेज, जेलसी एंड एंगर डिस्ट्रॉय बोथ हिम एंड दोज अराउंड हिम। और यहाँ तक इसको टॉर्चर किया गया कि इसके अंदर का गुस्सा, जेलसी, एंगर ना सिर्फ इसको तबाह करते हैं बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोगों को भी तबाह कर डालते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये शख्स इस नॉवेल में मरकजी किरदार भी है, ये विलन भी है। सेकंड पैराग्राफ को हम डिस्कस कर रहे थे कि हीथक्लिफ इस फिक्शनल कैरेक्टर इन इमिली ब्रोंटेस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, ओइंग टू द नॉवेल्स एंड्यूरिंग फेम एंड पॉपुलैरिटी ही इज ऑफन रिगार्डेड एज एन आर्च टाइप ऑफ द टॉर्चर्ड एंटी हीरो हूज इल consuming rage, jealousy and anger destroy both him and those around him. तो हमने पढ़ा कि इसके गुस्से ने, jealousy ने इसको और इसके साथ वालों को बर्बाद किया। The first paragraph of the novel provides a vivid physical picture of him as Lockwood describes how his black eyes withdraw suspiciously under his brows at Lockwood's
approach. Nell's story begins with his introduction into the Earnshaw's family. His vengeful mechanism drives the entire plot and his death ends the book. Okay. तो यहाँ पर बताया गया कि जब लॉकवुड ने इसको पहली मरतबा देखा तो वो भी इससे देखकर बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा तजस्सुस हुआ उसको इस शख्स से मुतलिक, इसकी ब्लैक आइज को जब उसने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो अपनी पलकों के नीचे छुप जाती थी। इसके बाद जब एलिन ने अपनी इस कहानी की नरेशन शुरू की तो उसने हीथक्लिफ के जिक्र से बात शुरू की, इसका गुस्सा, इसका बदला लेने की ख्वाहिश इस किताब के आखिरी चैप्टर तक जारी रहती है। द डिजायर टू अंडरस्टैंड हिम एंड हिज motivations has kept countless readers engaged in the novel. और इसको समझने की ख्वाहिश readers को novel में engaged रखती है। Heathcliff, however, defies being understood. लेकिन Heathcliff readers को इस चीज की इजाजत नहीं देता कि readers उसको समझे। And it's difficult for readers to resist seeing what they want to expect to see him. और रीडर्स तवक्को करते रहते हैं कि वो हीथक्लिफ को एक मुख्तलिफ पहलू से देखें। द नॉवेल टीसेस द रीडर विद द पॉसिबिलिटी दैट हीथक्लिफ इज समथिंग अदर देन व्हाट ही सीम्स। यानी पढ़ने वाले ये तवक्को करते रहते हैं कि वो हीथक्लिफ को जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं वो इस तरह का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनको मायूसी होती है दैट हिज क्रुएल्टी इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज frustrated love for Catherine or that his sinister behavior serves to conceal the heart of romantic hero. Okay, यहाँ तक इस शख्स हीथक्लिफ के कैरेक्टर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने पढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। हाँ, इसकी कमेंट्री हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ से। इट इज सिग्निफिकेंट दैट हीथक्लिफ बिगिंस हिज लाइफ एज अ होमलेस ऑर्फन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लिवरपूल व्हेन ब्रोंटे कंपोज हर बुक इन द 1840s। द इंग्लिश इकोनॉमी वॉज सीवियरली डिप्रेस्ड एंड द कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक लिवरपूल वर सो अपेलिंग दैट द अपर एंड मिडिल क्लासेस फियर्ड वायलेंट रिवोल्ट। अब इस पैराग्राफ में हमें बताया जाता है कि इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। अगर हीथक्लिफ को इतना नेगेटिव पेश किया गया है तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज नेगेटिविटी। इमिली ब्रोंटे ने ऑब्जर्व किया था कि बैक इन 1840s 1840 के ज़माने में इंग्लैंड में इंडस्ट्री की हालत, इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब थी कि मजदूर वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। देवर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, एक बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी बसर कर रहे थे और उनकी मिजरीज को देखकर फैक्ट्री मालिकान और दूसरे अमीर तबके के लोग इस खौफ में मुबतला थे कि कहीं इनकी तरफ से कोई रिवोल्ट, कोई बगावत ना शुरू हो जाए। तो हीथक्लिफ के कैरेक्टर की नेगेटिविटी, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन हमें उस दौर के मजदूर तबके की फ्रस्ट्रेशन की तरफ एक झलक देती है। दस मैनी ऑफ द मोर अफ्लुएंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बिहेल्ड दीज वर्कर्स विद अ मिक्सचर ऑफ सिंपैथी एंड फियर। लिहाजा उस दौर के जो दौलतमंद अफराद थे वो इस गरीब तबके को सिंपैथी, हमदर्दी की नज़र से भी देखते थे। इनके साथ उन्हें हमदर्दी थी, वो इनसे खौफ भी खाते थे क्योंकि ये उनके खिलाफ बगावत कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, बाकी के चार लाइंस को मैं स्किप करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं इसके कैरेक्टर से मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंसिडरिंग दिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हीथक्लिफ सीम्स टू एम्बॉडी द एंजाइटीज दैट द बुक्स अपर एंड मिडिल क्लास ऑडियंस हैड अबाउट द वर्किंग क्लास। तो कहा गया कि हीथक्लिफ के कैरेक्टर में जो एंजाइटी है हकीकत में वो उन लोगों की एंजाइटी थी जो कि उस दौर में अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते थे और उनके अंदर ये तशवीश थी कि जो लोअर क्लास है
मजदूर तबका है, इनकी तश्वीश, इनकी एनजाइटी कहीं इनको किसी बगावत पर मजबूर न कर दे। द रीडर में इजीली सिंपेथाइज विद हिम व्हेन ही इज पावरलेस एज अ चाइल्ड टेरराइज्ड बाय हिंसले अनशॉ। जब ये हीथक्लिफ छोटा था और हिंसले ने इसके साथ जुल्म किया, तो तब तक तो हमें इसके साथ हमदर्दी महसूस होती है, बट ही बिकम्स अ विलियन व्हेन ही एक्वायर्स पावर एंड रिटर्न्स टू वॉडरिंग हाइट्स विद मनी एंड द ट्रैपिंग ऑफ अ जेंटलमैन। लेकिन जब वो 3 साल के बाद यहाँ वापस आता है, अब जब कि उसके पास पैसा भी है, एंड ही सीम्स टू बी अ जेंटलमैन, वो जेंटलमैन दिखता है अपने बिहेवियर से, अपने लिबास से, एट दैट पॉइंट ही बिकम्स अ रियल डेविल, तो उस वक्त हमें इसके साथ हमदर्दी नहीं होती। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पर स्टॉप करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे सामने। Catherine, Earnshaw, Heathcliff, Linton and Cathy Linton all tend to dwell on their personal heavens. What might the significance of this be? Two important characters ko discuss kiya gaya is question number 3 mein. Catherine aur Heathcliff ko kaha gaya ki is novel ke jitne bhi important characters hain, each of them lives in his own heaven. इनमें से हर एक किरदार अपनी ही एक बनाई हुई जन्नत में रहना पसंद करता है, और वो जन्नत क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी एक थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है उनका, और वो अपने लिए कंफर्ट जोन तलाश करते हैं, और वही कंफर्ट जोन उनकी हेवन है उनके लिए। मगर हकीकत यह है कि वो कम्फर्ट जोन उनके लिए हेल साबित होती है, नॉट हेवन। हेवन इज एन important concept for us, for each of those characters, and their ideas of perfect world reveals their true personality. कहा गया कि इस novel में मौजूद जो important characters हैं उनका heaven से मुतालिक जो भी concept है वो इनकी personality को हमारे सामने पेश करता है। Catherine admits that she would rather be on the moors than in heaven. Catherine का कहना है, ये उसके बचपन की बात होती है कि जब वो बचपन में थी, छोटी बच्ची थी, तो वो कहा करती थी कि शी वुड लाइक टू बी ऑन द मोर्स रादर देन इन हेवन, कि वो तो मरने के बाद ही इन बात भी इन मोर्स में रहना पसंद करेगी, ना कि वो जन्नत में जाना पसंद करेगी। एंड हेडक्लिफ रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल हेवन इन फेवर ऑफ हिज रिमेन्स मिंगलिंग विद कैथराइन्स बीनीथ द अर्थ। और हेडक्लिफ और हीथक्लिफ के कहा करता था, उसका कहना था, उसका ख्याल था कि इफ आफ्टर हिज डेथ हिज रिमेन्स आर मिक्स्ड विद द रिमेन्स ऑफ कैथराइन अंडर दिस हीथ इट वुड बी हेवन फॉर हिम। यानी वो भी ट्रेडिशनल हेवन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता था। द सिमिलरिटीज बिटवीन देयर आइडियाज ऑफ हेवन रिवील द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ देयर पर्सनैलिटीज एंड ऑल्सो देयर टेंडेंसी टू locate themselves in opposition to conventional society. Heaven से मुतलिक इनके आइडियाज़ को देखकर हमें पता चलता है कि इनकी थिंकिंग एक जैसी थी, बट इन चाइल्डहुड बचपन की हद तक इन दोनों की थिंकिंग एक जैसी थी, और वो अपने इर्द गिर्द की ट्रेडिशनल सोसाइटी से मुख्तलिफ दिखना चाहते थे, बट लेटर देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन चेंज। लेकिन बाद में हेवन से मुतलिक इन दोनों के कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। When Edgar asks her to marry him, she accepts. She says that she does not really love Edgar but Heathcliff. Unfortunately, she could never marry the latter because of his lack of status and education. So, usne is baat ka khule lafzon mein itraaf kiya tha ki she loved Heathcliff but she would not be able to marry Heathcliff because he was a man of low status in society. He was poor. He was uneducated. Ye teen problems the uske saath jiske bina par she was not going to marry Heathcliff. और Edgar को उसने क्यों पसंद किया? She knows that Edgar could provide her all the comforts of life on because he was rich and he could provide her all the comforts of life. लिहाजा उसने Edgar की proposal को कबूल किया। On the other hand, if she marries Heathcliff, she would have to endure insult because of his low social status. और ये उसके अपने अल्फाज थे कि she would have to suffer, कि अगर उसने Heathcliff से शादी की तो फिर उसको बाकी की ज़िंदगी में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। She therefore plans to marry Edgar. लिहाजा उसने Edgar से शादी करने का प्लान किया, और ये
उसकी हेवन है, उसका कंफर्ट जोन है, शी वांटेड कंफर्ट इन लाइफ। नेक्स्ट आ जाते हैं हीथक्लिफ की तरफ। हीथक्लिफ हैज हिज ओन हेवन विच इज बेस्ड ऑन हिज स्टडी फॉर रिवेंज, स्टडी फॉर रिवेंज, स्टडी मतलब जस्तुजु तलाश। और हीथक्लिफ की अपनी एक हेवन है, उसका अपना एक कंफर्ट जोन है और उसकी बुनियाद है बदला लेने की एक आग, एक जलन। इफ कैथरीन हैड मैरिड हिम ही माइट हैव बीन अ पॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ, अगर कैथरीन को उससे शादी हो जाती तो शायद वो एक मुख्तलिफ किरदार होता। व्हेन मिस्टर अर्नशॉ फाइंड्स अ होमलेस जिप्सी लाइक बॉय ऑफ अबाउट 7 होम ही डिसाइड्स टू अडॉप्ट एज हिज सन, Hindley finds himself excluded from his father's affection. तो जब मिस्टर अर्नशॉ को ये लड़का, 7 साल का लड़का कहीं मिलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इसको अपने घर में ले जाएगा। Hindley finds himself excluded from his father's affection by this newcomer's arrival and quickly learns to hate him. ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिंडले ने महसूस किया कि इस हार्टक्लिफ के आने के बाद उसके बाप की अटेंशन, उसके बाप की तवज्जो हिंडले से हट गई है और उसने खुद को अपने बाप की मोहब्बत से दूर महसूस किया, लिहाजा उसने हीथक्लिफ के साथ अच्छा सलूक ना किया थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। When Mr. Earnshaw dies, Hindley becomes master of Wuthering Heights and forces Heathcliff to become a servant instead of a member of the family. It makes Heathcliff take revenge on Hindley. ये हम already discuss कर चुके हैं कि जब Mr. Earnshaw की वफात होती है तो अब Hindley ने इसको अपने घर का servant बना लिया, उसको family member तस्लीम करने से इनकार किया और यहाँ पर Heathcliff कि कैरेक्टर में तब्दीली आती है। वो महसूस करता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, लिहाजा नाउ ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। ही टेक्स रिवेंज ऑन एडगर बाय इलोपिंग विद हिज सिस्टर बिकॉज ही स्नैचेस हिज लव फ्रॉम हीथक्लिफ। अब एडगर से बदला लेने की रीजन क्या थी? हीथक्लिफ टेक्स रिवेंज अगेंस्ट एडगर बिकॉज एडगर हैड टेकन अवे हिज लव कैथरीन। एडगर ने कैथरीन को इससे दूर कर दिया था। एट द सेम टाइम हिज प्रिटेंडेड लव फॉर इसाबेल इज मेंट टू जेलस कैथरीन एंड व्हेन ही वाज शोइंग दैट ही वाज इन लव विद इसाबेल, इनफैक्ट ही वाज नॉट इन लव विद इसाबेल। जब वो ये जाहिर करता था कि वो इसाबेल से बड़ी मोहब्बत रखता है तो वो तो सिर्फ कैथरीन को जेलस करने के लिए था। इनफैक्ट ही हैड नो लव फॉर इसाबेल। द एंगर एंड क्विस्ट फॉर रिवेंज प्रोवाइड बेसिस फॉर द हेवन ऑफ Heathcliff and we find him living in his heaven till his death. तो हम देखते हैं कि इसका anger और revenge, बदला लेने की इसकी आग, इसका एक comfort zone है, इसके लिए एक heaven है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी heaven में, इसी zone में रहता है। He destroys himself and he destroys the lives of others. इस तरह से वो दूसरों की जिंदगियां भी तबाह करता है। ये तो थे 2 major characters जिनके कंफर्ट जोन, जिनकी हेवन का जिक्र हुआ। उसके बाद 2 minor characters हैं, उनका भी अपना कंफर्ट जोन था। लिंटन एंड कैथे लिंटन बोथ कंसीडर हेवन टू बी अ ब्यूटीफुल डे आउटडोर्स। अब लिंटन और कैथे के लिए उनका एक कंफर्ट जोन है और वो क्या है? वो ब्यूटीफुल डे आउटडोर्स। बट द डिफरेंस बिटवीन देयर fantasies is that Linton wants to live in grass, lie in grass, while Cathay would prefer to climb trees. So, inka difference kya hai ki they both love to be outdoors in a beautiful day, but Linton is not very active. He wants to lie on the grass and take rest, while Cathay is more active. She loves to run about. She loves to climb trees. It reveals the fundamental difference in their perspective characters. The heaven of Cathay is forcibly confiscated. यहाँ एक लफ्ज़ पे इजाफा कर देते हैं।
The heaven of faith, Cathay is temporarily forcibly confiscated by Heathcliff by making her marry his son Linton. Cathay ki apni ek heaven thi, she had her own comfort zone and it was taken away by Heathcliff, but it was tentative. Vakti taur par tha. When Heathcliff forced her to marry Linton, but fate favors the innocent girl and she regains her heaven in the form of Harriton. But when she marries Harriton after the death of Linton, she comes back in her heaven, in her comfort zone. तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ मेजर कैरेक्टर्स के कंफर्ट जोन से मतलब पढ़ा कि वो किस तरह की फीलिंग्स रखते थे और वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन मुकद्दर उनका साथ नहीं देता था. What causes Heathcliff's revenge in Wuthering Heights? इसको हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं जी, क्योंकि हमने हीथक्लिफ के कैरेक्टर को बारहा पढ़ा है, परसों भी डिस्कस किया, आज भी इसको डिस्कस किया. अब ये क्वेश्चन भी इसी से मुतल्लिक है, सिर्फ एक अंदाज, एक पर्सपेक्टिव बदला गया है. यहाँ पर पूछे जा रहा है कि व्हाट कॉजेज हीथक्लिफ्स रिवेंज, उसके रिवेंज की कॉजेज क्या थी, और वो कॉजेज हम इसके कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं. उसकी एक कॉज हिंसले था, उसकी रिवेंज की सेकेंड कॉज एडगर था. इसको इस पैराग्राफ में हम मुख्तसर पढ़ देते हैं. तफसील के लिए आप दोबारा से हीथक्लिफ का कैरेक्टर देखिएगा और ऊपर जो सवाल हमने अभी डिस्कस किया है सेकेंड नंबर पे उसको देखिएगा. हीथक्लिफ इज अ कैरेक्टर हु इज टॉर्मेंटेड बाय हिज लव फॉर कैथरीन एंड बाय हिज बिटरनेस ओवर हिज इल ट्रीटमेंट बाय हिंसले. तो हीथक्लिफ हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्टर्ब बाय हिंसले एंड बाय कैथरीन. एक कैथरीन ने, दूसरा हिंसले ने इस शख्स को डिस्टर्ब किया था. हीथक्लिफ हैज बीन ट्रीटेड एज अ फेवर्ड सन बाय मिस्टर Earnshaw and then after Mr. Earnshaw's death, Hindley exacts revenge on Heathcliff by treating him as a base servant. Heathcliff feels further rage and bitterness when he overhears Catherine tells Nelly that she would be degraded by loving Heathcliff. Okay, ये दो major reasons थे. एक क्या कि Hindley maltreated him. He did not give him his due respect. Secondly, Catherine refused to marry him. He runs away, filled with hatred for all who have hurt him. When he comes back to Wuthering Heights, he comes back as master of the house, prepared to get revenge on his enemies. ओके, तो ये दो मेजर रीजंस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और जब ये वापस आता है तो ये व्हेन ही कम्स बैक टू वॉटरिंग हाइट्स, ही कम्स बैक एज मास्टर ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड टू गेट रिवेंज ऑन हिज एनिमीज. नाउ ही हैज डिसाइडेड, ही हैज रिजॉल्व टू टेक रिवेंज आफ्टर कैथरीन्स डेथ. हिज बिटरनेस इंटेंसिफाइज कॉजिंग हिम टू एक्ट वायलेंटली and cruelly to the younger generations, vindictively to the younger generation. And after the death of Catherine, he becomes even intense in his hatred. Classes and society in Victorian England. अब इस last question में ये भी एक major question, एक important question है. Class difference का जिक्र किया गया है कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास में जो सोशल डिफरेंस था वो डिस्टरबेंस का सबब था. इमिली ब्रोंटे क्लासिक नॉवेल वॉजरिंग हाइट्स एक्सपोजेस द रियलिटी ऑफ इंग्लैंड क्लास सिस्टम ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा. विक्टोरियन एरा में जो भी क्लास डिफरेंस था उसको जाहिर किया है इस नॉवेल ने. द नॉवेल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू दिस स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम बाई शोइंग द Tragedy of Heathcliff and Catherine as a direct result of their class differences. और Heathcliff और Catherine की personal tragedy बताती है कि इस class difference की बिना पर किस तरह की tragedies रूनुमा हो सकती थी. The social aspect of living in the Victorian period are prevalent in Emily Bronte's Wuthering Heights. तो जो कोई social differences थे उस दौर में
सन 1800 के जमाने में जो भी सोशल डिफरेंसेस थे उनको खुलकर बयान किया गया इस नॉवल में। इन द स्टोरी शी पुट्स टू फैमिलीज इन जक्सटपोजिशन विद अ पुअर बॉय हु इज टेकन इन बाय वन ऑफ दोज फैमिलीज। तो दो अमीर फैमिलीज का जिक्र है जिनके दरमियान एक यतीम बेसहारा बच्चा आ जाता है और वो इनको डिस्ट्रॉय करता है सिर्फ इसलिए कि खुद उसको पहले डिस्ट्रॉय किया गया था। दिस बॉय नेम्ड हीथक्लिफ एंड हिज रिलेशनशिप विद दोस टू फैमिलीज इज अ ड्राइविंग फोर्स इन द स्टोरी। इन दोनों खानदानों के साथ इसका ताल्लुक, फिर इसका बदला लेने की आग, ये इस नॉवल की स्टोरी को आगे बढ़ाती है, इसकी फोर्स है। इन दिस लेसन वी विल सी हाउ क्लास मैटर्स इन द स्टोरी। वी विल देन लुक एट हाउ द roles of women are treated in Victorian society, especially through the lens of Catherine and Isabella. तो उस सोसाइटी में मुआशरे में ख्वातीन के साथ क्या सलूक होता था, गरीबों के क्या साथ क्या सलूक होता था, वो डिस्कस किया गया है इस नॉवल में। पहले हीथक्लिफ एंड हिंडले का जिक्र है जी। हीथक्लिफ और हिंडले के खराब ताल्लुक जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द राइवलरी बिटवीन हिंडले Earnshaw and Heathcliff is pivotal in the development of what would become the chip of Heathcliff's shoulder. तो इन दोनों के दरमियान जो भी दुश्मनी थी, जो भी अदावत थी, वो इस नॉवल की कहानी बनती है। Hindley makes Heathcliff's life miserable. Hindley ने इस लड़के की जिंदगी को बड़ा अजीरन बना दिया था, मुश्किल बना दिया था। After all, Hindley is very jealous of the way that his father treated Heathcliff. क्योंकि हिंडले जेलस है इस बात से कि उसका बाप हीथक्लिफ के साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करता है। एंड वाइल इट इज क्लियर दैट हिंडले इज स्टिल द सन एंड द हायर, और वो महसूस करता था, हिंडले महसूस करता था कि उसे उसकी हिस्से की मोहब्बत नहीं मिल रही, लेकिन बहरहाल जायदाद का वारिस तो वही था। दैट डस नॉट इंक्रीज हिंडलेस कम्फर्ट लेवल विद हीथक्लिफ। हिंडलेस सस्पिशंस अबाउट Heathcliff are shared by Mrs. Earnshaw. और हिंडले के जो भी शक शुभात थे कि उसका बाप हीथक्लिप को ज़्यादा अहमियत देता है, उसको मिसिस Earnshaw ने भी महसूस किया था। Who never really cared for Heathcliff. वो इस लड़के हीथक्लिप की कोई परवाह नहीं किया करती थी। These two characters are uncomfortable sharing their home with a person of unknown birth. ये दोनों माँ बेटा इसको अच्छा नहीं समझते थे अपने घर में, वो इसको एक एक्स्ट्रा पर्सन समझते थे। एन ऑर्फन एंड अ जिप्सी, दे बिलीव दे आर रैंक्ड अबव द बॉय। उनका ख्याल था कि वो मकाम मर्तबे में इस लड़के हीथक्लिफ से बहुत आला हैं। इवन आफ्टर द टू मैन ग्रो अप एंड हीथक्लिफ गेन्स वेल्थ, हिंडले नेवर लेट्स हिम फॉरगेट दैट ही वाज वंस एन ऑर्फन। और जब हीथक्लिफ एक दौलतमंद शख्स बन जाता है, तब भी हिंडले उसको ये याद दिलाता रहता है कि कभी वो मुलाजिम हुआ करता था, कभी वो गरीब यतीम हुआ करता था। इस तरह से वो उसको जहनी अजियत देता है, और ये जहनी अजियत ही तो उसके बदले की आग को बढ़ाती है। उस बाद हीथक्लिफ एंड कैथराइन का जिक्र आ जाता है जी। कैथराइन ऑन द अदर हैंड टेक्स टू हीथक्लिफ इमिडिएटली, जबकि कैथराइन का हीथक्लिफ के साथ अच्छा ताल्लुक था। द टू आर inseparable and is clear that she is crazy about him. वो दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखते थे। She is crazy about him. बहुत आला फिक्रा है कि वो तो उसके उससे मुतलिक जुनून की हद तक मोहब्बत रखती थी। After all, she declares that I am Heathcliff, making the case that their souls are really the same. वो यहाँ तक कहती है कि मैं और Heathcliff एक ही हैं। However, Heathcliff does not hear that particular declaration. अफसोस के Heathcliff इस फिक्रे को तो ना सुन सका, उसने बाकी की बात सुनी। जब उसने कहा था कि मैं हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती वरना मुझे सारी जिंदगी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, ही ओनली मैनेजेस टू हियर द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन ड्यूरिंग विच कैथराइन लिस्ट ऑल द रीजंस दैट देयर डिफरिंग सोशल क्लासेस डिक्टेट्स दे विल नेवर बी एबल टू मैरी। जिसने उसने कहा था कि सोशल डिफरेंस के बिना पर वो उससे शादी नहीं कर सकती, इट इज दिस लिस्ट दैट ड्राइव्स हीथक्लिफ टू लीव द फैमिली एंड पुशेस हिम टुवर्ड्स हिज साइकोसिस। इसके बिना पर हीथक्लिफ उनकी फैमिली से परे हो गया और फिर वो एक नफ्सियाती मरीज की तरह से बिहेव करता है। इसके बाद हीथक्लिफ और
दूसरी लड़की का ताल्लुक भी आता है जिसको इसने खराब किया था सिर्फ बदले की खातिर, एडगर की बहन का जिक्र आता है। अच्छा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने डिस्कस की, उसके बाद ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको आपकी बुक में मिलेंगे जब आप किताब महल वालों की बुक खरीदी है। मसलन क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वॉन्डरिंग हार्ट्स इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन पैशंस एट डिफरेंट लेवल्स, ये ह्यूमन पैशंस को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड नाइटमेयर्स इन द नॉवल वॉन्डरिंग हार्ट्स, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का जिक्र है, उसमें चंद एक ख्वाबों का भी जिक्र है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको आपकी बुक से मिलेंगे, इन्हें आपने खुद तैयार करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पढ़ दिए। इस तरह से आज का अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको आपके हिस्से की असाइनमेंट्स भी देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।